ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बस्तर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सीएएफ के दो जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी रोकने इन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया। प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बस्तर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के दो जवान शहीद हो गए, वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारडूम थाना क्षेत्र में सीएएफ 22वीं बटालियन के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान बोदली गांव के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दो जवान शहीद हो गए। घायल एक अन्य जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद माओवादी AK-47 राइफल और दो हैंडसेट अपने साथ लूट कर ले गए। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की है। इधर राजनांदगांव जिले में आज माओवादी दंपति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों माओवादियों पर 13 लाख रूपये का इनाम घोषित था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के 11 प्रकार के संक्रमणों की पहचान की है। जापान, थाईलैंड, अमेरिका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए टीके और दवाएं तैयार करने संबंधी अनुसंधान के वास्ते ये महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया कि परिषद कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक लगभग 5,900 लोगों के 6,500 से ज्यादा नमूनों की जांच की है, जिसमें से 83 मामलों में वायरस के संक्रमण का पता चला है। डॉ भार्गव ने लोगों से कहा कि वे घबराएं नहीं और सावधानी बरतें। इस बीच केंद्र सरकार ने अगले 100 दिनों तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना और जमाखोरी रोकना है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें। यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर ले। आंख, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए स्पर्श न करें। हाथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए। इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढक कर रखें। सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, जिसका नंबर है 0112397-8046। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग एक तथा सेमेस्टर पद्धति में सेमेस्टर 1, 2 और 3 की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। केवल स्नातक, स्नातकोत्तर, अंतिम वर्ष तथा अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ही यथावत होंगी। वहीं प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित दिव्यांग महाविद्यालय, विशेष महाविद्यालय, आश्रय दत्त कर्मशाला और बहुसेवा केंद्र 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए नवा रायपुर अटल नगर स्थित जंगल सफारी को भी 23 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कबीरधाम जिले के कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने आज जिला अस्पताल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में विशेष एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब जिला अस्पताल में दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों की विशेष जांच की जाएगी।
उधर बस्तर के आश्रम और छात्रावासों को भी खाली कर वहां रह रहे बच्चों को उनके घर भेजने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का फैसला हुआ है। इस बढ़ोतरी से सरकार पर करीब 14,600 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के शीरपानी प्रांगण में नवनिर्मित मां बम्लेश्वरी उड़न खटोला रोपवे का कल लोकार्पण किया। इसके साथ ही डोंगरगढ़ में अब 2 रोपवे हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। करीब 8 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित नए रोपवे में 14 ट्रालियां लगाई गई हैं। 1 घंटे में 500 श्रद्धालु पहाड़ी पार जा सकेंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी में होने वाली नियुक्तियों में भू विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिलासपुर कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने एनटीपीसी प्रबंधन की बैठक में ये निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी बैठक के पहले एनटीपीसी में पद की बाध्यता खत्म करते हुए जो जिस पद के लिए योग्य है उस पद पर विस्थापितों को नियुक्त किया जाए। उन्होंने नियुक्तियों में पुनर्वास नीति का पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 15 और सेक्टर 30 में आवासीय भूखंड परियोजना शुरू की गई है। सेक्टर 15 में 2009 से 4000 वर्ग फुट के भूखंड तथा सेक्टर 30 में 1500 से 2350 वर्ग फुट के भूखंड लीज पर आवंटन करने के लिए निविदा जारी की गई है। प्रदेश में नगरपालिक निगम भिलाई से अलग होकर नगरपालिक निगम रिसाली आगामी 1 अप्रैल से अस्तित्व में आ जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगरपालिक निगम भिलाई तथा रिसाली के बीच संपत्ति और दायित्वों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी की गई। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह 9:05 पर जिले की चिट्ठी का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने एसिड फेंकने वाले हमलों के लिए कठोर दंड देने का प्रावधान किए जाने की मांग करते हुए भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया। सुश्री पांडेय द्वारा प्रस्तुत विधेयक में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधानित दंड अपर्याप्त है और इन हमलों के अपराधियों को कड़ी सजा देने तथा पीड़ितों के मौद्रिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए इसमें संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। यही एक द्रोणिका विदर्भ होते हुए मराठवाड़ा तक जा रही है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। शहीद सैनिकों के परिजनों ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शहीदों की पत्नियों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। और धमतरी जिले के कुरुत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दाही में 2 सगी बहनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में सीएएफ के 2 जवान शहीद, एक अन्य जवान घायल। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी रोकने इन्हें आवश्यक वस्तु घोषित किया। प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।